के सीरम्स और मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट बताई होती है, हमें नहीं पता चलता कौन सी स्पॉन्सर वीडियो है, कौन सी रियल में मतलब वाकई रिजल्ट दिखा रही तो होती आप है। तो कैसे हैं? आप सब इस वक्त साथ जहाँ रहें जी खुश रहें। आज का जो टॉपिक है वो हेयर केयर के ऊपर है। कुछ टाइम से मैं एक प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी, मैंने रैंडमली वो खरीदी थी है ना। रिव्यू मैं लाजमी करती हूँ, अगर वो मुझे अच्छी लगे तो भी, और अगर वो बुरी लगे तो भी। अच्छी सा शेयर करती हूँ कि अगर आप लोग वो खरीदना चाहते हैं या फिर आप लोगों को उसके बारे में सही नहीं पता कि वो प्रोडक्ट अच्छी है या बुरी, तब भी आप लोगों को पता चल जाए। इसलिए मैं अच्छी और बुरी दोनों प्रोडक्ट आप लोगों के साथ रिव्यू करती हूँ, जो मुझे अच्छी लगती है वो भी और जो मुझे बुरी लगती है वो भी, ताकि आप लोगों को फायदा हो सके। जब मेरे पैसे जाया हुए आप लोगों के पैसे जाया ना। क्या कहने वाली हूँ, उसके जो है ना वो रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। मतलब कभी कभी हमें बहुत दफ़ा यूज़ करने के बाद जो है ना रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो आप लोगों को एक से दो दफ़ा लगाए ना तो आप लोगों को रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इसलिए मैं सोचा मैं इसको जल्दी शेयर करती हूँ, क्योंकि अभी सर्दी का भी सीज़न है और मोस्टली जो है ना सर्दियों में बाल खराब भी हो जाते हैं, डैमेज भी होते हैं, फ्रिजी बहुत ज़्यादा होते हैं, अटकते बहुत हैं बाल, बालों में ब्रश नहीं होता। तो मैंने सोचा कि ये जो है ना आप लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर करूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। तो मैंने सोचा मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रोडक्ट दिखा देती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे बाल देख सकते हैं। अभी 70% ये ड्राई हुए हैं, प्रॉपर ड्राई नहीं हुए, लेकिन जो है ना बाल बहुत ही स्मूथ हो गए हैं, तो बहुत ही सॉफ्ट से। तो अभी यही प्रोडक्ट मैं ऑयल के अंदर भी यूज़ कर रही हूँ और आफ्टर जो है ना शावर बालों के ऊपर हल्के गीले बालों पे भी अप्लाई कर रही हूँ। इसका फ़ायदा यह है कि आप ये रूट से एंड तक सारे बालों में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि आपने लेंथ में अप्लाई करना है, रूट्स में नहीं करना, आप इसको रूट्स टू एंड सारे बालों में अप्लाई करेंगे। फ़ायदे मैं इसके आप लोगों को बाद में बताऊँगी, यूज़ भी आप लोगों को इसका बाद में बताऊँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रोडक्ट दिखा देती हूँ। अच्छा जी, ये आम सी प्रोडक्ट है, मतलब बहुत ही आसानी से आप लोगों को अवेलेबल होगी। ऑर्गन ऑयल के नाम से, प्रॉपर नाम जो मैं नीचे मेंशन कर रही हूँ, ऑर्गन ऑयल के नाम से इस तरह की बॉटल में ना आप लोगों को मार्केट में ये अवेलेबल होगा। ये ब्राउन कलर का जो है ना इसका, ये बाहर वाली जो है इसकी पैकेजिंग है, 50 ml की ये बॉटल है। और उसके बाद जी प्राइस की बात करें, प्राइस इसकी बहुत ही सस्ती सी है, मतलब 4 to 5 के आप लोगों को दरमियान दरमियान पड़ेगी। ऑर्गन ऑयल हेयर ट्रीटमेंट विद मोरक्कन ऑर्गन ऑयल एक्सट्रैक्ट के नाम से आप लोगों को ये बॉटल मिलेगी। सेकंड चीज़ ये कि इसका जो है ना स्पेशल काम ये है कि आप लोगों के जो डैमेज बाल हुए होते हैं, चाहे वो कलर से हुए हों, स्ट्रेटनिंग कर करके हुए हों, या फिर मुख्तलिफ तरह के बालों में ट्रीटमेंट करवाए हों, तो बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। कलर करवाएं तब भी बाल ख़राब हो जाते हैं, बाल थोड़े से उनकी शाइन कम हो जाती है, बाल जो है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर रहे होते, मतलब मुख्तलिफ तरह के आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकते हैं। ट्रीटमेंट करवा रहे या नहीं भी करवा रहे आप लोग, तो आप लोगों के बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, रफ़ हैं, तो ये वाला ऑर्गन ऑयल आप लोग यूज़ करें, रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, ये ऑर्गन ऑयल जो है ना सीरम की तरह है, आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना। यूज़ आप लोगों को इसका मैं बाद में बताऊँगी, सबसे पहले आप लोग इसकी पैकेजिंग देख लें। उसके बाद ये जो है 50 ml की हमें इस तरह की छोटी पैकिंग में है, और इसकी बड़ी पैकिंग में भी आप लोगों को अवेलेबल होगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी आप लोग छोटी बॉटल लें, क्योंकि जब भी आप लोग कोई नई चीज़ ट्राई करें तो लें, अगर आप लोगों पे सूट करती है, आप लोगों को पसंद आती है, तो आप फिर इसकी बड़ी पैकेजिंग ले सकते हैं। ड्रेस मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगी कि छोटी बॉटल लें, ताकि आप लोग भी यूज़ करें, आप लोग भी अपने रिजल्ट शेयर करें। और जिस जिसने ये वाला ऑर्गेनाइज यूज़ किया हुआ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इसका जो काम है ना स्पेशल, आप लोगों के जो डैमेज बाल होते हैं, ख़राब बाल होते हैं, फ्रिजी बाल हुए होते हैं, बालों की शाइन कम हो जाती है, ये उन सब के लिए, उन सब सब चीज़ों को ये टारगेट करता है। आप लोगों के बालों में बहुत अच्छी शाइन आएगी, आप लोगों के बाल बहुत बहुत सॉफ्ट होंगे। मैं अभी ये अपनी बेटी को भी ऑयल लगाती हूँ, तो उसके भी बालों में मैं यही लगाती हूँ, ऑयल ऑयल के अंदर ऐड करके इसको लगाना होता है, तो बहुत अच्छी बालों में शाइन भी आ जाती है, बाल जो डैमेज होते हैं वो भी रिपेयर होते हैं, बाल सॉफ्ट होते हैं, मतलब आप लोगों को खुद फर्स्ट टाइम में ही फ़र्क नज़र आएगा। तो आप इसको यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, जब भी आप लोगों ने बाल धोने हैं, आप लोगों ने क्या करना है, अपना कोई भी ऑयल जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं, सरसों का या फिर कोई भी आप लोग ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोगों ने उसके अंदर सिर्फ 1/2 teaspoon आप लोगों ने ऐड करना है, और उसको अच्छे से मिक्स करके, ऑयल थोड़ा सा नीम गर्म हो तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप लोगों ने रूट्स एंड ऑयल जिससे नॉर्मल आप लोगों ने ऑयल लगाना है लगा लें, और उसके बाद शावर ले लें। उसके बाद जब आप लोगों के हल्के गीले बाल होंगे
तब आप लोगों ने इसके 2 से 3 ड्रॉप जो है वो लेके अपने रूट्स एंड अपने बालों में लगा देना है। अच्छा, ये ऑर्गन ऑयल जो है सीरम की तरह होता है, मतलब ये बहुत चिप चिप करता हुआ जैसे ऑयल होते हैं वैसा नहीं होता, इसलिए आप लोग नॉर्मल, अभी आप लोग बाल देख सकते हैं ये ऑयली नहीं है। इसको मैंने जो है शॉवर के बाद लगाया था और बाल जो है नॉर्मल हो जाते हैं। प्रोडक्ट लेनी हो लाजमी उसका रिव्यू चेक किया करें, उसके बाद इसको ख़रीदा करें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।